सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हमारे साथ है मारुति सुजुकी जिम्नी जेटा मॉडल 2024 में लेटेस्ट वाली। तो आइए आज इसकर बात करेंगे। और बात करने से पहले सबसे पहले थैंक्स करना चाहेंगे नेक्सा आसनसोल को, बीके ऑटो प्राइवेट लिमिटेड आसनसोल, जिन्होंने हेल्प की गाइड प्रोवाइड करने के लिए। अगर आपको मारुति सुजुकी की कोई भी ऑफरिंग देखनी है ना, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन में है, कॉल कर लीजिएगा, अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिएगा, फिर आइए और चेकआउट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात करते हैं जिम्नी के बारे में। जिम्नी को आप कब से जानते हैं? इंडिया में 1 साल हुई होगी, बाकी कंट्रीज में 10 साल हुई होगी, लेकिन अगर आप ध्यान से गौर करेंगे ना तो जिम्नी को 100 साल हो चुके। लाइक ये अभी भी वो लेगेसी मेंटेन कर रही है जो जिप्सी मेंटेन करती हुई आ रही थी। जिप्सी का लेगेसी आगे लेके जा रही है। लाइक 100+ कंट्रीज में अभी भी जिम्नी मिल रही है। और ये जिम्नी जो है वो जिप्सी की ही कह सकते हो आपकी अपग्रेडेड वर्जन है। जिप्सी जब से बंद हुई, जिप्सी जब थी ना तो 90 ईयर्स तक उसने रूल किया था मार्केट को, ठीक है। तो उसके बाद जिम्नी आई है, तो आइए आज इसके बारे में बात करेंगे। और पहले क्या थी ना, जब जिप्सी आती थी तब सिर्फ आर्मी वगैरह के लिए थी, मतलब सिर्फ आर्म फोर्सेज के लिए थी, लेकिन अब ये जनरलाइज हो चुकी है सिविलियंस के लिए भी। तो सिविलियंस भी इसको ले सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। तो सामने से बात करते हैं आपको। सबसे पहले तो उसका लुक दिखी क्या होगा, ऑल ओवर जो लुक है कुछ इस तरह का है। और इसका एक अलग से किट भी आता है, थंडर किट। अगर वो थंडर किट लगा लेते हैं ना तो आपको बहुत सारे मतलब क्रोमिंग एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। लाइक यहाँ पे आपको क्रोम का प्लेटिंग वगैरह मिल जाएगा, सामने भी मिल जाएगा, ठीक है। और आपको शायद प्रोटेक्शन वगैरह मिल जाएंगे, यहाँ पे प्रोटेक्शन, इस साइड भी पीछे भी प्रोटेक्शन वगैरह मिल जाएगा। फिर डोर की अगर बात करें तो डोर का क्लैडिंग के ठीक ऊपर इस साइड में आपको एक फ्रेमिंग सा मिल जाएगा, प्लेटिंग सा मिल जाएगा सिल्वर का। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको सिल्वर गार्निशिंग वगैरह, क्रोम गार्निशिंग वगैरह एक्स्ट्रा जो है वो मिल जाएंगे। तो फिलहाल हमारे पास जो है ये बेसिक सी है, सिंपल सी है। सामने से अगर बात करें तो हमें यहाँ पे क्रोम में ग्रिल देखने मिल जाती है, बीच में हमें नेट देखने मिल जाता है ब्लैकिश काइंड ऑफ में। यहाँ पे हमें सुजुकी का जो है सिंबल देखने मिल जाता है। हेडलाइट्स की अगर बात करें तो हमें यहाँ पे हैलोजन में हेडलाइट देखने मिल जाती है, इस साइड भी उस साइड भी। इंडिकेटर्स हमें यहाँ पे मिल जाते हैं और साथ ही साथ में हमें साइड वाइज भी हमें इंडिकेटर देखने मिल रहे हैं, ये भी हमें हैलोजन में देखने मिल जाते हैं। हमारा यहाँ पे एक छोटा सा एरिया दिया हुआ है जहाँ पे आप फॉग लैंप इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन अभी इंस्टॉल नहीं है। बात करें बम्पर्स की तो ये पूरे बम्पर हमें सेटअप देखने मिल जाता है। एक और चीज़ है, बम्पर से लेकर पूरी ग्लाइडिंग तक ये जो फाइबर यूज़ की गई है ना, ये स्क्रैच प्रूफ फाइबर है, ठीक है। तो मतलब अगर आप थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग में लेके जाते हो, लाइक ऐसे वैसे ऑफ रोडिंग पे, और ऐसे घास वगैरह भी अगर लग जाते हैं तो स्क्रैचेस वगैरह आपको लगने के यहाँ पे डर नहीं है, स्क्रैचेस वगैरह आपको नहीं लगेंगे। अब अगर टायर की बात की जाए तो हमें कुछ इस तरह का टायर देखने मिल जाते हैं। इसके अपर वेरिएंट में ना आपको स्पॉयल्स देखने मिल जाएंगे, लेकिन हमें यहाँ पे कुछ इस तरह के टायर्स देखने मिल रहे हैं। ये भी डिज़ाइन जो है ना, मुझे पर्सनली ये ज़्यादा पसंद आ रही है। लाइक डिज़ाइन लैंग्वेज के साथ है यहाँ, ये ज़्यादा सुंदर लग रही है, आपको अभी दिखाते हैं। और वैसे अगर टायर साइज़ की बात की जाए तो हमें यहाँ पे 195/80 R15 साइज़ के टायर्स देखने मिल जा रहे हैं। और लुक्स की अगर बात करें तो कुछ इस तरह का हमें लुक देखने मिल रहा है, देख सकते हैं आप। आप बताइएगा आपको कैसी लग रही है, मुझे तो बहुत सुंदर लग रही है। टायर्स जो है यही वाले इसके साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और अगर ग्लैंस की बात करें ना तो एक आपको अच्छा खासा ग्लैंस मिलने वाला है जी वैगन का, छोटी जी वैगन कह सकते हैं आप। ये भी एक चीज़ है भाई कि जी वैगन काइंड ऑफ लग रही है ये थोड़ी सी। बाकी इस साइड प्रोफाइल से इसका लुक कुछ इस तरह का लग रहा है। जिस साइड से भी आप देखेंगे आपको लग रही होगी कि हाँ छोटी है, लेकिन सामने से आएंगे समझ में आएगा क्योंकि काफ़ी इनफ है। और इंटरनल भी स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, लाइक काफ़ी डिसेंट सी है, आपको इंटरनल भी बताया जाएगा। बाकी अगर बात करें तो हमें यहाँ पे फ्यूल ऑयल देखने मिल जाती है। इसका टैंक कैपेसिटी जो है 45 लीटर्स का हमें यहाँ पे टैंक कैपेसिटी देखने मिल जाता है। पीछे की तरफ अगर बात करें तो हाँ जी हाँ दोस्त, 5 डोर है, 1, 2, 3, 4 पीछे वाली 5, ठीक है। तो 5 डोर देखने हमें मिल जाती है। फिर से जी वैगन वाला एक हल्का सा फ्रेम आपको देखने मिलेगा। यहाँ पे एक हमें स्पेयर व्हील देखने मिल जाती है। अगर इसके भी साइज़ की बात की जाए तो ये भी काइंड ऑफ हमें सेम ही देखने मिल रही है। जी हाँ, 195/80 R15 साइज़ का ही सेम हमें देखने मिल जाता है। यहाँ पे सुजुकी प्लेटिंग देखने मिल जाती है, यहाँ पे हमें जिम्नी का सिंबल देखने मिल जाता है, और साथ ही साथ में इधर हमें ऑल ग्रिप का एक बैजिंग काइंड देखने मिल जाता है। नीचे बम्पर्स हैं, और नीचे की तरफ अगर ध्यान देते हैं तो हमें पार्किंग सेशन देखने मिल जाता है चारों, 1, 2, 3, 4। और रेयर कैमरा भी हमें यहाँ पे देखने मिल जाता है। और हमारा पीछे भी जो है वो हमें हैलोजन सेटअप भी देखने मिल जाता है इस वाले मॉडल में। बैकलाइट और टर्न इंडिकेटर जो है एक ही साथ इंटीग्रेटेड इसमें हमें देखने मिल जा रहे हैं। बाकी ऊपर की तरफ अगर ध्यान देते हैं तो हमें यहाँ पे सिर्फ एक कंटिया देखने मिल जाता है, बाकी ऊपर एकदम सिंपल सा और क्लासी सा डिज़ाइन हमें देखने मिल रहा है। पीछे की तरफ अगर ध्यान देते हैं तो हमें यहाँ पे एक वाइपर देखने मिल जाता है, बाकी पीछे डिफॉगर देखने मिल जाता है। और साथ अगर डोर की बात करें तो हमें यहाँ पे हाइड्रोलिक सस्पेंशन, मतलब हाइड्रोलिक सिस्टम देखने मिल जाता है डोर में। तो आपको ज़्यादा दम लगाने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे खोल दीजिए, बाकी अपने खुल जाएगी, ठीक है।
ऐसे कोई धक्का दे के बंद भी नहीं करेगा, मतलब तुरंत बंद भी नहीं होगी, काफ़ी टाइट है बंद करने में। तो ये हाइड्रोलिक सिस्टम यहाँ पे लगी हुई है। अगर बूट स्पेस की बात की जाए तो बूट स्पेस काफ़ी इनफ सी है, ठीक है। बूट स्पेस हमें यहाँ पे अराउंड 230 लीटर्स की देखने मिल जाती है, राइट। 230 लीटर्स की बूट स्पेस हमें देखने मिल रही है। फिर यहाँ पे हमें लाइट देखने मिल जाती है इस साइड में, और यहाँ पे हमारा 12 वोल्ट का सॉकेट भी देखने मिल जाता है। पीछे भी जो हमें यहाँ पे है विंडो कटआउट देखने मिल जाता है। और साथ ही साथ में अगर बात करें बूट स्पेस तो इतनी बड़ी सी है ही। और एक और चीज़ है गाइस कि ये जो सीट है ना वो पूरी पूरी ऐसे लेट जाती है, लाइक तो ये सीट जो है पूरी ऐसे लेट जाती है, मतलब हेडरेस्ट अगर नीचे कर देंगे तो पूरी ही नीचे हो जाएंगे। सीट बेल्ट्स वगैरह को ऐसे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, ये पूरी ही नीचे हो जाती है। तो एक पूरा बेड काइंड ऑफ आपका ये एरिया जो है बन जाता है। कैंपिंग में आपको काफ़ी अच्छा ये काम आने वाला है। तो ये एक चीज़ है। 50-50 सीट्स हमें देखने मिल जाती हैं, 4 सीटर इन टोटल ये गाड़ी है। बाकी आप तो भाई आपकी मर्ज़ी कितने बैठना है। यहाँ पे हमें एक टूल बॉक्स देखने मिल जाती है छोटी सी। तो यही सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। अब सामने की तरफ अगर ध्यान दें तो बीच में हमें कुछ इस तरह का सीट देखने मिल जा रहा है। यहाँ पे हमारा हेडरेस्ट वगैरह हो गया, जैसे कि आपको दिखाया था ये पूरा ही ऐसे हो जा रहा है। एक और चीज़ अभी दादा ने दिखाया कि जैसे ही आप इसको हेडरेस्ट को खोल दोगे ना तो ये पूरी बेड बन जाएगी, मतलब हेडरेस्ट खोल दो ये पूरा सीधा हो जाता है, लिटरल पूरा सीधा हो जा रहा है गाइस ये। तो भाई ये पूरा ही पूरा बेड का काम कर रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए हमने यहाँ पे हेड वाला जो एरिया है हेडरेस्ट का एरिया खोल के वहाँ पे रख दिया है, और ये पूरी स्ट्रेट हो चुकी है, लाइक काफ़ी इनफ स्पेस मिल गया हमें यहाँ पे। तो कैंपिंग वगैरह में सच में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब बैठ के बात करेंगे। डोर्स की अगर बात करें तो डोर्स कुछ इस तरह की हैं भाई, काफ़ी रफ एंड टफ रगेड काइंड ऑफ डिज़ाइन देखने मिल जाता है हमें। यहाँ पे लेदरिश फिनिश है, मैट फिनिश है, यहाँ पे हैंडल्स वगैरह हो गए। फिर यहाँ पे हमारा यही है जो पावर विंडो का काम करता है, अलग तरह का डिज़ाइन है, एकदम सिंपल सा बेसिक सा यहाँ पे डोर वगैरह डिज़ाइन रखा गया है। अब अगर अंदर बैठ के बात करें तो भाई स्पेस काफ़ी डिसेंट है, काफ़ी इनफ है। और एक्सपेक्टेडली मेरे को लगता है थार से ज़्यादा लग रहा था क्या भाई? थार से ज़्यादा ही लग रहा है मेरे को स्पेस, एज सच मतलब सही है, आगे पीछे तो ये होती रहेगी। एंड हेडरूम की बात की जाए तो माई हाइट इज़ अराउंड 5'7", काफ़ी सही है, डिसेंट सा है, आपको हेडरूम भी देखने मिल जाता है, ठीक है। अब सामने की तरफ चलते हैं। सामने से अगर बात की जाए सामने समय कुछ तरह का सेम डिज़ाइन देखने मिल जाता है। बाकी ये स्पेस जो है ना वो काफ़ी कम है, मतलब बाकी गाड़ी में थोड़ा बोतल रखने का भी स्पेस वगैरह दिया जाता है, लेकिन ठीक है डिसेंट काइंड ऑफ है, इनफ आई थिंक। बाकी अगर बैठ की अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ इस तरह का हमें यहाँ पे सारा सिस्टम देखने मिल जा रहा है। बैठने के बाद कुछ इस तरह का हमें फील देखने मिलता है। यहाँ पे हमारा इन्फोटेनमेंट का सारा सिस्टम देखने मिल जा रहा है। यहाँ पे हमारा कॉलिंग का सारा कंट्रोल्स देखने मिल जाते हैं। यहाँ पे वाइपर कंट्रोल्स, हेडलाइट कंट्रोल्स, सारी कुछ है। बाकी आपको यहाँ पे बैठ के ना समझ में आएगा, एक सबसे पहले ग्लांस मिलता है आपको किस चीज़ का, जिप्सी का, लिटरल भाई जिप्सी का एक अच्छा खासा ग्लांस मिल जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि हमें यहाँ पे एनालॉग प्लस डिजिटल मीटर यहाँ पे देखने मिल जाता है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे हमारा आरपीएम लिमिटर हो गया, फिर यहाँ पे स्पीडोमीटर हो गया, बीच में एमआईडी है। एमआईडी में आपका टाइम, टेम्परेचर, फिर नॉर्मल बेसिक से सारी चीज़ें आपको देखने मिल जाती हैं। एवरेज फ्यूल इकोनॉमी हो गई, रेंज हो गया, साथ ही साथ में आपका एवरेज स्पीड वगैरह, ड्राइविंग टाइम, ओडोमीटर है, फ्यूल इंडिकेटर है, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी है, तो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें जो है हमें यहाँ पे देखने मिल जा रही हैं, जो कि रेगुलर में काफ़ी अच्छा काम आने वाली है। बाकी अब फिट एंड फिनिश की अगर बात करें तो भाई फिट एंड फिनिश में ना अलग ही मतलब मज़ा आ रहा है देख के, जितना रगेड काइंड ऑफ डिज़ाइन है। सामने हमें हैंडल देखने मिल जाते हैं, जो कि ये बहुत ज़रूरी है। अभी भैया हम लोग को कुछ करके दिखा रहे थे, ठीक है, जो कि हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाए, खुद को संभालने में लग गए, लेकिन वो रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है, आपको फिर से करके दिखाएंगे। लेकिन भाई वो कुछ तो था, बहुत ज़बरदस्त था, जो कि हम लोग एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि ये इतना अच्छा ऑफ रोडिंग करके दिखाएगा। तो ये एक चीज़ है। बाकी इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है हमें, बहुत सारी चीज़ें हमें देखने मिल जाती हैं, मतलब फेवरेट वगैरह, एवरेज जो भी आपको वो सब भी देखने मिल जाता है। यहाँ पे कंट्रोल्स वगैरह हैं, इसके बारे में भैया आपको डिटेल बताएंगे। बाकी यहाँ पे एसी वगैरह का वेंट हो गया, यहाँ पे कंट्रोल्स वगैरह हो गए। फिर यहाँ पे हमारा मैनुअल है, मैनुअल 5-speed गियरबॉक्स नहीं मिल जाता है। ये है इस गाड़ी का मेन USP, 2 high 4 low, 2 high टू व्हील के लिए, 4 high 4 wheel के लिए। 4 low जो होता है ना वो आपको मतलब बेस्ट जो परफॉर्मेंस है इंजन की तरफ से आपको देखने मिल रहे वाला है, जैसे ही गाड़ी जो है वो 4 low में जाती है, ठीक है। ये आपका हैंड ब्रेक हो गया, यहाँ पे ये डिसेंट सा स्पेस हो गया, ये पावर विंडोज़ के लिए हो गया, ये सामने वाले विंडोज़ के लिए हो गया। तो यही सब है। यहाँ पे एक 12 वोल्ट का सॉकेट देखने मिल जाता है, यहाँ पे हमारा चार्जिंग पॉइंट देखने मिल जाता है, ये एक स्पेस हो गया। ऊपर बात करें तो यहाँ पे हमें मैनुअल IRVM देखने मिल जाता है, यहाँ पे कुछ इस तरह का हमें, ठीक है। और यहाँ पे भी ऐसे भी मिल जाती है, लाइट्स हमें यहाँ पे देखने मिल जा रही हैं, पीछे भी हम लाइट देखने मिल जाती हैं। और बाकी ORVM की अगर बात करें ना तो वो एडजस्टेबल है, ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल है,
हाँ भैया, तो इन्फोटेनमेंट सिस्टम के बारे में ना थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स को दे दीजिए। ये हम लोग का स्मार्ट प्लेट इन्फोटेनमेंट सिस्टम है। इसमें एक ही स्क्रीन में आपका सब कुछ आ जाएगा, कितना माइलेज दे रहा है, कितना आप जा सकते हैं, ठीक है, म्यूजिक सिस्टम, पेयर डिवाइस, सब कुछ एक डिवाइस में ही आपको आ जाएगा। यहाँ से ही सब कुछ आपको मिल जाएगा। आपको अदर्स कोई ऐप्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यूएसबी कनेक्ट कीजिए, यहाँ से आपका जीपीएस स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ईजी सिस्टम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। मैं आपको MID में देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको इस इन्फोटेनमेंट सिस्टम में आपको दिखा देगा कितना क्या माइलेज दे रहा है, क्या दे रहा है, सब कुछ। अभी हम कुछ देर पहले अपलोड किए थे, फिर भी इसमें माइलेज दे रहा है 14.2 किलोमीटर पर लीटर। कहाँ तक जाएगा ये आपको यहाँ पर दिखा देगा, ठीक है। यहाँ पर आपका गाड़ी का सारा इन्फॉर्मेशन, अगर कितना माइलेज दिया, कौन सा ट्रिप में क्या दिया है, सारा डिटेल्स इसमें आ जाएगा। ओके, ठीक है। यहाँ पर जो लो फ्यूल है, कोई अगर सीट बेल्ट नहीं पहनेगा, ये सारा ऑप्शन भी आपको दिखाएगा। ओके, पार्किंग पीछे का बैक इसमें रियर कैमरा इसमें आते हैं। जब हम इसको रियर में देंगे, ये देखिए रियर कैमरा का व्यू कुछ इस तरह का आएगा। आपको कैमरा क्वालिटी भी काफ़ी डिसेंट काइंड ऑफ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सच, ठीक है। इसमें यहाँ पर आपको टाइम वगैरह सब कुछ सेटिंग करने का ऑप्शन है। अगर गान का मूड आपको चेंज करना है, सारा आ जाएगा, रॉक, क्लासिक, जिस मूड में हम गाना सुनना चाहते हैं, ये सारा चीज इसमें आ जाएगा। वगैरह भी इसमें प्रीसेटली सेटिंग्स में दिया हुआ है, सेटिंग में दिया हुआ है। अच्छा, और आपको नेविगेशन वगैरह भी यहीं पे शो करेगा। यहाँ से नेविगेशन कनेक्टिंग लिखा हुआ है, यूएसबी कनेक्ट कीजिएगा, आपका स्मार्ट प्ले इन्फोटेनमेंट सिस्टम से आ जाएगा। यहाँ पर अगर एप्पल कार प्ले भी है, अगर आप यूएसबी से कनेक्ट करते हैं, यहाँ से एप्पल कार प्ले भी चलेगा आपका, गूगल वाला भी चलेगा आपका। ओके, अब बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। तो हम यहाँ पे 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन देखने मिल जाता है। और अगर पावर की बात की जाए ना, तो हमें यहाँ पे 103 हॉर्स पावर देखने मिल जाती है एंड 134 Nm का टॉर्क जो है यहाँ पे हमें देखने मिल जाता है, जो कि भाई काफ़ी इनफ है। अगर बॉडी वेट की बात की जाए ना, तो भाई लिटरली काफ़ी कम है। और जिस हिसाब से ये मतलब है ना भाई, एकदम छोटी सी कॉम्पैक्ट सी, पावर तो भाई मतलब ज़बरदस्त इसमें दिखने वाली है। अभी आपको ऑफ रोडिंग करते हैं और उसके बाद ऑफ रोडिंग करके आपको दिखाते हैं। तो 1200 kg का इसका कर्व वेट है, अराउंड 1200 kg का। तो उस हिसाब से अगर पावर टू वेट रेशियो की बात करें तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और जिस हिसाब से भाई ये कॉम्पैक्ट जो चीज़ है, और ये जिस तरह से भाग रही है ना, और जिस तरह से ऑफ रोडिंग पे काम कर रही है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग चेकआउट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं अब राइड रिव्यू इसका। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं गाइस इसका राइड रिव्यू। अभी टूल टाइप में हम उतरने के पहले इसको लगाएंगे। अच्छा, अब टू टाइप में ये फोर टाइप में लगाएंगे। फोल्डो में दे दिए एक बार में। और गाइस एक और चीज़ है कि सेफ्टी मैटर्स, हम लोग सब यहाँ पे सीट बेल्ट लगा के बैठे हुए, क्योंकि अभी जो है बहुत डेंजरस चीज़ होने वाला है। आपको अंदर से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन बाहर से वो वहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है, वो क्लिप आपको दिखाएंगे, ठीक है। गाड़ी टिल्ट हो गया है पूरा, लाइक लिटरली ये एक्सपीरियंस गजब है। वो डरा हुआ है पीछे बैठ के। जिमनी हाथ में हो तो फिर आपको रोड देखने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे रोड बना लीजिए और आगे बढ़ते चलिए। अभी भी हम लोग फोल्डो में ही हैं।
गाइस हमारे साथ अब न्यू ड्राइवर आ चुके हैं। न्यू मतलब कि एक्सपीरियंस करा पहली बार। सबसे पहला एक्सपीरियंस क्या लग रहा है तेरे को जिमनी का? सबसे पहले तो ऑफ रोड में तो एक नंबर है भाई, सामने से देख लिया। ऑफ रोड में तो एक नंबर है वो तो भाई, हाँ दिख ही रहा है सबको। और वो जो सामने से कम्पैक्ट साइज लगती है वैसी है नहीं, कंपेयर करेंगे थार से तो मतलब उतनी ज्यादा कॉम्पैक्ट नहीं लग रही है। मतलब रूम स्पेस काफी इनफ है अंदर से, रूम स्पेस जो है वो काफी इनफ है। एक फैमिली के लिए मस्त कार है। और ऑफ रोडिंग के लिए कैसी लगी? वो तो लाजवाब है गाइस, उसके अलावा कुछ नहीं। आप देख सकते हैं वीडियो में है आगे, बाकी रोड कंडीशन भी देखिए। हम लोग 12 पे ही चल रहे हैं नॉर्मल पे ही, और ऐसा हम लोग कोई दिक्कत नहीं हो रहा है यहाँ पे। और बाकी अगर बात करें इसका ब्रेकिंग वगैरह का, ब्रेकिंग चेक कर, ABS चेक कर, इतना खराब रास्ते में भी हल्का सा भी स्किट नहीं हुआ। बाकी इंजन वाइब्रेशन कैसा लग रहा है? ही नहीं इंजन वाइब्रेशन है ही नहीं, है ही नहीं, अंदर से पता नहीं चलेगा आपको। मतलब इंजन वाइब्रेशन लग ही नहीं रहा है, थोड़ा बहुत आ रहा है अगर आप रेप देते हैं तो फर्स्ट गियर पे, नहीं तो बाकी का नहीं लग रहा। मतलब इंजन इतना ज़्यादा रॉ होने के बावजूद, इतना अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद स्मूथनेस भी जो है मस्त है। बाकी तो ये एरिया कैसा लग रहा है? ये एरिया तो जिमनी वाला ही है, एक अलग सा वाइब भी आ रहा है जिमनी वाला, थोड़ा मतलब जिप्सी वाला, सॉरी जिप्सी वाला एक वाइब भी आ रहा है, और एक रेट्रो स्टाइलिंग डिज़ाइन भी है, लेकिन मॉडर्न डिज़ाइन भी हमें यहाँ पे देखने मिल रही है, तो एक चीज़ है। बाकी सॉकर्स वगैरह भी सब सही है क्या? किसी को दिक्कत हो रहा सॉकर्स में? नहीं, सॉकर्स वगैरह भी एकदम सही है। पावर स्टीयरिंग कैसा है? सही है, स्मूथ है, स्मूथ है। इंजन तो बोल ही दिया भाई, स्मूथ है। ऑफ रोडिंग भी डन ही है। और अगर बात करें फील का, स्पीड वगैरह भी ठीक है। इधर जाना, इधर इनिशियल का सीधा का इनिशियल टेस्ट, तीसरा गियर। लो एंड टॉर्क कैसा है? कितना गियर पे हम लोग अभी? तीसरा, तीसरा पे लो एंड टॉर्क अच्छा है, टाल लिया। तीसरा गियर पे इतना हल्का स्पीड पे टाल लिया जब, तो लो एंड टॉर्क सही है, सीधा चल। गाड़ी जिस हिसाब से वर्क कर रहा है उस हिसाब से, लेकिन कॉम्पैक्ट भी है क्या, कहीं भी घुसाने वाला एक तुमको ना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि कहीं भी घुसा दे सकते हैं उसको लेके, मेरे को डर नहीं लग रहा नहीं। उस तरह का कॉन्फिडेंस भी आपको यहाँ पे बिल्डअप हो जाएगा, वो भी बहुत सही चीज़ लगी मुझे इस बाइक, इस सॉरी कार में। ऑल इन वन एक्सपीरियंस जो है अभी तक का काफ़ी सही लग रहा है, चला के मस्त है। और क्या ही बोलेगा इसके बारे में, यही तो। और फैमिली के, एक फैमिली के कार के लिए मस्त है, चार पांच लोग फैमिली के लिए नहीं, मेरे को लगता है कि फोर चार लोग तो आराम से बैठ सकते हैं इस पे, आराम से पांच लोग भी कष्ट करके बैठ ही जाएंगे। लगेज वगैरह भी आ ही जाएगा, लगेज वगैरह भी आ जाएगा, क्योंकि बूट स्पेस भी है काफी इनफ सी हमें देखने मिल रही है। बाकी सीट जो है वो आगे पीछे होती है, और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं होता, लेकिन टिल्ट एडजस्टमेंट हो जाता है आपका स्टीयरिंग व्हील में, तो ये एक चीज है इसमें, आपको टिल्ट एडजस्टमेंट देखने मिल जाएगी इसमें। बाकी रोड प्रेजेंस जो है वो सही है, लोग देखते हैं भाई, कोई नहीं बोल सकता कि छोटी लग रही है। हाँ कंपैरेटिवली अगर थार से बोलोगे आप, उसे बाहर से ही लगेगी, अंदर से बैठ के नहीं लगेगी, अंदर से बैठ के आपको छोटी ही लगेगी, ठीक है। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात की, ग्राउंड क्लियरेंस कितना था इसका? 210 का यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस देखने मिल जाता है भाई, बहुत है। इस तरह से कुदाए उदाए हैं, वीडियो तो आपने देख ली होगी, घुमा ले भाई, तो उस हिसाब से वहाँ से चल, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी देखिए सब ऑफ रोड्स में, हाँ घुमा लेना यहाँ से, हाँ घुमा लेना। बाकी ये सब ऑफ रोड्स में, ये सब देख रहे हैं, ये सब तो नॉर्मल ऑफ रोड है, ठीक है, नॉर्मल गाड़ी भी कर लेती है, तो ये सब तो और भी हम लोग को ईजी लग रही है। टू व्हील चल रही है, हाँ टू व्हील पे इतना ईजी लग रही है, फोर व्हील पे तो भाई मतलब कोई कोई है ही नहीं दिक्कत। पिकअप ले थोड़ा, स्मूथ है इंजन इसका, लेकिन काफी मेरे को भी फील हो रहा है ये चीज कि स्मूथ है, अच्छा स्मूथ है इंजन इसका। और महिंद्रा में एक चीज मेरे को लगती है ना कि इसका, महिंद्रा का कितने भी कैसे भी गाड़ी ले लो आप, जब आप स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले एक वाइब्रेशन आएगा, एक धूम वाला, वो कई लोगों को पसंद है, मेरे को भी पर्सनली पसंद है, क्योंकि मेरे को भी रॉ इंजन जो है पसंद है, लेकिन एक जो स्मूथनेस होती है ना उसमें एक अलग मजा आता है, और एक जो रॉनेस होती है उसमें अलग मजा आता है। इसमें आपको स्मूथनेस प्लस रॉनेस वाला मजा आएगा। लाइक हम लोग को काफ़ी ज़्यादा पसंद है इसकी होंडा CB200X, क्योंकि भाई वो एक रॉनेस भी प्रोवाइड करती है और एक स्मूथनेस भी है इंजन में, ठीक है। तो वही चीज़ इस कार में भी है, एक रॉनेस भी आपको प्रोवाइड की जा रही है और एक स्मूथनेस भी है आपको, तो दोनों का मज़ा आपको इसमें आ जाता है। बाकी पावर कैसा लग रहा है तेरे को? पावर एक नंबर, 1200 cc के हिसाब से इसमें हमें यहाँ पे 103 HP, 1500 cc, सॉरी 1500 cc है, तो हमें यहाँ पे 103 हॉर्स पावर देखने मिल जाता है, और 134 Nm का यहाँ पे हमें टॉर्क देखने मिल जा रहा है। उस हिसाब से पावर भी जो है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है काफ़ी सही है। लो एंड टॉर्क भी अच्छा था, उससे आपको दिखाया थर्ड ईयर पे थे हम लोग, शायद 20 के स्पीड पे होंगे राइट, और फिर हम लोग जैसे ही पुल किए गाड़ी पुल हो गई, हेजिटेट नहीं की, झटके भी नहीं दी, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। झटके वगैरह नहीं है,
मेरे को पर्सनली जो पसंद आता ना गाड़ी में वो ये है कि देखिए मतलब रगेड है भाई हर जगह से, एक टफ वाली चीज़ आती है यहाँ पे भी हैंडल वगैरह दिए हुए आपको, मतलब रगेडनेस जो है ना इस गाड़ी में काफ़ी अच्छा मेंटेन किया हुआ है, फिर एक जो लेदरिश फिनिश काइंड ऑफ है यहाँ पे काफ़ी सही लगती है मेरे को पर्सनली, ये एरिया काफ़ी सुंदर लग रहा है पता नहीं क्यों, मतलब मेरे को लगता है अच्छा लगता है थोड़ा सा, रॉ चीज़ें जो होती है ना मेरे को अच्छी लगती है। यहाँ पे देख सकते हैं अभी जो एनालॉग प्लस डिजिटल का जो एक कंसोल का एक जो मिक्सचर है ना वो मेरे को काफ़ी सुंदर लग रहा है, ये एरिया मेरे को ज़्यादा पर्सनली फेवरेट लग रहा है मेरे को। बाकी आप जरूर बताइएगा थॉट्स अपने कमेंट सेक्शन में कि कैसे लग रही है आपको। बाकी अगर प्राइस की बात की जाए ना तो मेरे हिसाब से भाई प्राइस इसका ऑन रोड पड़ रहा है इस वाले मॉडल का वो पड़ रहा है अराउंड 14 लाख ना दादा, 14 लाख आपका इस वाले मॉडल का आपको प्राइस पड़ रहा है। इसका जो टॉप मॉडल है उसमें आपको डी आर एल वगैरह देखने मिल जाते हैं और भी कुछ प्लस पॉइंट्स है उसमें देखने मिल जा रहे हैं आपको, वो आपको अराउंड 16 लाख का पड़ रहा है। तो उस हिसाब से अगर बात करेंगे तो भाई वर्थ इट है, लिटरली वर्थ इट है, वो सब जगह से अगर देखोगे तो वर्थ इट लगेगी आपको। क्योंकि अच्छा मेरी बात मत मानो आप आओ चलाओ, चला के टेस्ट राइड लेके देखो, आपको तो समझ आएगा कितनी वर्थ इट है, मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ बाकी आपकी मर्जी। सो अब बात करते हैं देवजी जैसे डायरेक्टली कि यहाँ पे क्या क्या ऑफर्स देखने मिल जा रहे हैं हम लोग को बीके ऑटो की तरफ से जिम्नी के ऊपर। जिम्नी का जो ऑफ रोड गाड़ी है इसमें जिम्नी का इसमें ना बहुत ही अच्छा ऑफर दिया गया है, जो पहले लास्ट दिसंबर में बहुत ही अच्छा ऑफर था 2 लाख का करीब डिस्काउंट था, तो डिस्काउंट थोड़ा सा कम होके अभी जिम्नी का अल्फा मॉडल में जो 2023 का जो मॉडल है उसमें आपका 1 लाख का डिस्काउंट है, कॉर्पोरेट डिस्काउंट 5000 है, कॉर्पोरेट डिस्काउंट क्योंकि अभी 2024 में भी मिलेगा आपको। और इसमें आपका नॉर्मली जो पेट्रोल दिया जाता है शोरूम की तरफ से ये भी आपका ऑफर मिलेगा, और 100 फाइनेंस फाइनेंस का फैसिलिटी भी आपको मिल जाता है डिपेंड ऑन द कस्टमर सिविल स्कोर। और इस गाड़ी को आप लोग टेस्ट ड्राइव कीजिए क्योंकि ये जो ऑफ रोड कार है, फोर व्हील ड्राइव जो गाड़ी है कार है जिम्नी, ये 90 ईयर्स का लेगेसी है जिप्सी का, और ये कार जो है नॉर्मली प्राइस बहुत ही कम है फोर व्हील ड्राइव का जो गाड़ी होता है उस गाड़ी में उस कार में, आप देखिए कि कॉम्पिटिशन में इतना कम प्राइस में नहीं मिलता है। तो आप लोग आइए नेक्सा का शोरूम आसनसोल मुर्गासोल में और वहाँ पे टेस्ट ड्राइव कीजिए, ऑफ रोड ड्राइव टेस्ट ड्राइव कीजिए, और टेस्ट ड्राइव करने के बाद ही आप जिम्नी क्या प्रोडक्ट है आपको पसंद आएगा। तो जी हाँ दोस्तों, ये थी सारी बातें जिम्नी के बारे में, ठीक है। और अगर आपको और भी कोई ऑफरिंग देखनी है ना नेक्सा की तरफ से, सारी ऑफरिंग जो है आपको अवेलेबल हो जाएगी। अभी हमारे साथ जो फिलहाल में है वो ग्रैंड विटारा की कर दी गई है, फ्रॉन्क्स की है। ग्रैंड विटारा का आपको जो रिव्यू है ना वो आपको चैनल पे मिल जाएगा, आपको आई बटन पे आ रहा होगा या फिर स्क्रीन एंड में आपको देखने मिल जाएगा। और एक और जो हमारे पास इसके तरफ से की हुई है वो बेलिनो की हुई है, ओल्ड मॉडल की, मतलब 2023 मॉडल की है, वही है अभी जो चल रही है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए गए हैं। और एक फ्रॉन्क्स है, तो यहाँ पे कुछ मॉडल्स अवेलेबल हैं और ये मॉडल्स जो है आपको देखने मिल जाएंगी। डायरेक्टली जाइए नेक्सा पे, जाइए कॉन्टैक्ट कीजिए देवजीत, वहाँ पर रहेंगे आपको असिस्ट करने के लिए, और सबसे बेस्ट असिस्टेंस आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है। तो जीत हाँ दोस्तों, ये थी सारी बातें जिम्नी की तरफ से। सो होप करते हैं आपको वीडियो पसंद आई, अगर पसंद आई हो ना तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।